कोई यानी के भाई भी कहने हैं जिस लिहाज से भी, डॉक्टर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब सिर्फ आपके नाखून देखते हैं, हाथ देखते हैं तो हाथ रखवा के मैं यहीं पर ही आया हूँ, मैं भी साथ होता हूँ डॉक्टर साहब के। और डॉक्टर साहब को आज से नहीं, मैं आज को कुछ मतलब 20 साल से पहले से मैं जानता हूँ, और मुझे ये फील्ड नहीं पता कि डॉक्टर साहब पेशेंट देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आपके हाथ देख के और आपको डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद है ना फी सबीलिल्लाह आपको दवाई दे देते हैं। और यहाँ पर भी इस वक्त हम लोग ये डिफेंस में है, और डिफेंस में भी एक जगह जो है इतनी महंगी, डॉक्टर साहब तो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर एक ऐसे शख्स के जिनके बच्चे बात नहीं करते थे वो इनके पास गए, और माशाल्लाह बच्चा बात, तो उन्होंने ये जगह खोल के दी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर भी बैठे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर भी बैठते हैं पूरी यानी कि सुबह से शाम तक अपना अपनी जो लाइफ है वो इस चीज़ में सर्व करती है। डॉक्टर साहब को समझना इतना आसान नहीं है, मगर इलाज करवा लें, जिसको भी किसी किस्म की भी कोई भी अल्लाह ना करे कोई भी बीमारी है, डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे। अमूमन डॉक्टरों के पास जाके हमें बतानी पड़ती है, मगर ये मेरे बड़े भाई हैं, इनकी फील्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह किधर है, मगर फी सबीलिल्लाह जो है ये माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं हम सब की। सारे जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त जो हैं, कोई लाहौर से भी आए, जिनको होता है मैं जरूरियाँ भेजता हूँ, तो जो भी मुझे सुन रहे हो मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ कि आप डॉक्टर साहब का एड्रेस जो है वो आप ज़रूर लें। और जिसको भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि उसको सहयाबी देने वाला तो अल्लाह है, मगर डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह पाक ने वो शफा रखी है कि जिसको भी जो भी मरीज़ आता है माशाल्लाह ठीक होकर जाता है। तो आप लोगों को सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी किसी को भी अगर किसी प्रॉब्लम है किसी किस्म की, तो डॉक्टर साहब से ज़रूर रुजू करें और अपने आप को ज़रूर देखें। शुक्रिया।